अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। सारे वीडियो आ जाएंगे, यहाँ पर 7 वीडियो हैं। इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस चैनल में बिल्कुल ही सरल तरीके से इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ और बीच में प्रैक्टिस भी बहुत सारे करवाता हूँ। मैं बहुत सारे सेंटेंसेस हिंदी सेंटेंसेस बोलकर और उसका इंग्लिश बोलकर उससे प्रैक्टिस करवाता हूँ आपका, और फिर लास्ट में हर वीडियो के लास्ट में, क्लास के लास्ट में बहुत सारे सेंटेंसेस भी दिए जाते हैं हर वीडियो में, होम प्रैक्टिस के लिए, मीन्स घर पे प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए जाते हैं। और उस तरह से प्रैक्टिस करके आप, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पिछले क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के इंग्लिश अनुवाद। ये रहे, अगर आपने बनाया है तो इसे मैच करके आप सुधार लो, अगर कहीं गलती हो तो। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं उसको हम, या तो पास्ट कंटिन्यूअस बोलो या पास्ट इम्परफेक्ट बोल सकते हैं उसको। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिख कर रखे हैं, एक एक करके बनाते हुए हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स जिस सेंटेंस के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह से अगर रहे तो समझ लो कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बस पास्ट में किसी काम की कंटिन्यूसली होते रहने की बात बताई जाती है, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे सेंटेंस है, मैं जा रहा था, वह स्कूल से आ रहा था, मीन्स इस तरह का पास्ट की बात हम कर रहे हैं बट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, मतलब उस टाइम में उसका वो काम कंटिन्यूअस था, इसलिए हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, या पास्ट इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका मेकिंग फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वी यानी वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, अभी हम सेंटेंस बनाते हैं। मैं जा रहा था आई के साथ वाज लगेगा, इसमें चूंकि वाज वर लगता है तो आई के साथ वाज लगता है, इसलिए हम आई के साथ वाज लगाएंगे। आई वाज गोइंग, वह स्कूल से आ रहा था, ही वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से है इसलिए फ्रॉम लगा, फ्रॉम स्कूल। वे लोग मैच नहीं खेल रहे थे, नेगेटिव आप जानते ही हैं, कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस का जब नेगेटिव बनाना हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, और इसका हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर। ओके फ्रेंड्स, तो वे लोग मैच नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग मैच। क्या वह तुम्हें गाली दे रहा था? अब यह इंट्रोगेटिव हो गया। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है उसका इंग्लिश अनुवाद करने के लिए हम सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इसमें भी होगा कि क्या वह तुम्हें गाली दे रहा था, वॉज ही अब्यूजिंग यू। वे लोग क्यों जा रहे थे, क्वेश्चन वर्ड, Why were they going? अभी इसमें इस तरह के सेंटेंसेस तो बहुत ही ईजी होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर आप समझ गए तो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इजारेम लगाया जाता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, बस यही फ़र्क है। बट इसमें एक दूसरे टाइप का सेंटेंस आता है, जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिताजी सो रहे थे। इसमें दो सेंटेंसेस हैं और पहला सेंटेंस है
पास्ट इन्फिनिट टेंस है और दूसरा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम जो पहला सेंटेंस है उसको हम पास्ट इन्फिनिट टेंस के हिसाब से बनाएंगे और दूसरा टेंस तो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको हम बनाएंगे कैसे? जब के लिए व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हम जब के लिए व्हेन का इस्तेमाल करते हैं तो व्हेन के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है। तो व्हेन आई रीच्ड होम, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम। व्हेन आई रीच्ड होम माय फादर वाज स्लीपिंग। दूसरा है, जब वह मेरे पास आया तो मैं टीवी देख रहा था। जब व्हेन ही केम टू मी तो क्या कर रहा था मैं टीवी देख रहा था। आई वाज वाचिंग टीवी। ओके फ्रेंड्स, तो पास्ट कंटिन्यूअस में यही आते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे थोड़ा प्रैक्टिस, और भी सेंटेंसेस लेते हैं और भी बहुत सारा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही अच्छा से सीखेंगे आप और उतनी जल्दी सीखेंगे आप। आपकी इंग्लिश अगर इम्प्रूव करनी है तो प्रैक्टिस ज़्यादा करो, सुनो, पढ़ो इंग्लिश की बुक और बोलने की कोशिश करो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका तीनों एक साथ हो रहा है, सुनने का भी हो रहा है और जो स्क्रीन पे आता है उसको पढ़ने का भी, और आप बोल भी रहे होंगे। जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो उसका इंग्लिश बनाने की कोशिश भी आप करते होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। मेरे पिताजी मुझे पढ़ा रहे थे। माय फादर वॉज टीचिंग मी। मेरा दोस्त फुटबॉल खेल रहा था। माय फ्रेंड वॉज प्लेइंग फुटबॉल। बिल्ली दूध पी रही थी। द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। वे लोग झगड़ा क्यों कर रहे थे। वाई वर दे क्वारेलिंग। तुम उससे बात क्यों कर रहे थे। वाई वर यू टॉकिंग टू हिम। तुम्हारा भाई तुमसे क्या कह रहा था। वॉट वॉज योर ब्रदर सेइंग टू यू। जब मैं खेत में पहुंचा मजदूर बैठे थे। When I reached farm, workers were sitting। वह तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा था। Why was he waiting for you? तुम मुझसे क्या कह रहे थे। What were you saying to me? जब मैं स्कूल से घर आया तो मेरा सर दर्द कर रहा था। When I came to house from my school, I had a headache। ओके फ्रेंड्स, वह वहाँ क्या कर रहा था। What was he doing there? तुम पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे। Why were you climbing up the tree? ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इतना काफ़ी है आपके लिए प्रैक्टिस, और खुद भी सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए और उसका इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वे है ये इंग्लिश सीखने का। मैं अपने क्लास में सभी लोगों को इसी तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा के इंग्लिश सिखाता हूँ, और वो सीखते हैं और काफ़ी लोग अभी तक सीख भी चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये रहा आज की प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस। ये अपने घर पे आप प्रैक्टिस करना। ये रहा सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आप एक नोटबुक में उतारते जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक फाइल बनाकर सेव करते जाओ और उसका इंग्लिश बनाकर प्रैक्टिस करते जाओ। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहे घर बैठे वो भी फ्री में। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। Thanks a lot and धन्यवाद।